नमस्कार, आप देख रहे जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, हैदरगढ़ तहसील के त्रिवेदीगंज ब्लॉक में आज किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिवेदीगंज ब्लॉक के समस्त गांव के निवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत सरकार द्वारा पशुपालन संबंधित कई योजना लागू है, जिसकी जानकारी ब्लॉक के पशु चिकित्सक ने जानकारी के साथ आम लोगों को अवगत कराया। आइए देखते देव विश्वास का एक रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम रखा गया, ये किस विषय पे रखा गया? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह है, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी त्रिवेदीगंज में पोस्टिंग हूँ। और आज ये पशु किसान कल्याण दिवस के आवास के सौजन्य से या समय पे ये आयोजन किया गया है। इसमें किसान प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी किया जाए। इसके लिए आज गोष्ठी का भी आयोजन हुआ है, जैसा कि अभी हमने पशुपालन के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी भी दी है पशुपालकों को। उसके अलावा अन्य विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं, जैसे कृषि विभाग का भी है, उद्यान विभाग का भी है, हमारे पशुपालन विभाग का भी है। ये स्टॉल के माध्यम से हम लोग पशुपालकों को, किसानों को खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में जागरूक करें। अभी जो भारत सरकार का स्कीम है कि नो टैगिंग नो वैक्सीनेशन, मतलब जितने भी जानवर हैं सबको टैग लगेगा, टैग लगेगा तभी उनको खुरपका मुंहपका का बीमारी का टीका लगेगा। और जो टैगिंग रहेगा उसे कई फायदे रहेंगे कि जानवर को खरीदना भी आसान रहेगा, बेचना भी आसान रहेगा। अगर जानवर को टैग नहीं लगा रहेगा तो वो टैग नहीं, टीका नहीं लगेगा। जैसे अभी एक बर्ड फ्लू का बीमारी चल रहा है, बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो इस विषय में कुछ जानकारी दिया गया है? बर्ड फ्लू पे हम लोग इसके लिए अलाउड नहीं है, वो हमारे यहाँ DM साहब हैं, वो ही अधिकृत हैं उस पर बोलने के लिए। लेकिन अभी तक कोई भी केस यहाँ पे अपने बाराबंकी जनपद में मिला नहीं। हम लोग नियमित रूप से जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, हम लोग जाके वहाँ पे चयन देखते भी हैं, हर जो पोल्ट्री फार्म है विजिट करते हैं, उनको जरूरी जो प्रिकॉशन लेने के लिए हैं वो सब उनको हम लोग बताते भी हैं, वो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। साफ़ सफाई है, चूना की छिड़काव हो, वो लोग कर रहे हैं। और हम लोग सैंपल लेके, जैसे एक नेजल सर होता है, एक क्लोरिकल सर होता है, एक ब्लड सिरप होता है, वो निकाल के हम लोग जिला भेजते हैं, जिला से मंडल जाता है, फिर वो बाहर जाता है जांच करने के लिए। लेकिन अभी तक हमारे जनपद से कोई सूचना इस तरह से प्राप्त नहीं हुई। अभी आने वाला जो नया साल चल रहा है और 26 जनवरी सामने, देश को क्या संदेश देना चाहिए? देश को, सभी पशुपालकों को, सभी किसानों को, जैसे कि सरकार की भी मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसीलिए सरकार हमेशा परेशान रहती है। तो इसीलिए हम लोग के विभाग में भी कई योजनाएं सरकार लाई है। जैसे अगर टैग लगा रहेगा तो उनको हम बीमा भी करेंगे, और इसे 75% तक सामान्य के लिए और OBC के लिए छूट है, और SC ST के लिए 90% छूट है। तो जो भी जानवर हैं उनका बीमा करवा लेंगे, भगवान न करे कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जो कम पोस्टमार्टम बनेगा उसकी कंपनसेशन उनको मिल जाएगा। एक तो ये हो गया, उसके अलावा टैगिंग करा लीजिए, टीका लग जाएगा, खुरपका मुंहपका का टीका तभी होगा जब वो टैग लगा रहेगा। उसके अलावा बीमा भी हो रहा है, दो चीज हो गया आपका। और तीसरा आपका, जैसे सेक्स शॉर्टेड सीमेंट, जैसे आप देख रहे हो इसमें खूब आवारा बछड़े समय ज़्यादा तैयार हो गए, इसके लिए सरकार ने एक स्कीम लाई थी सेक्स शॉर्टेड सीमेंट। उसमें साहिवाल का सीमेंट है, अच्छे नस्ल के सांड का सीमेंट है, और जो सीमेंट का जो कॉस्ट है मात्र 300 रुपया है, और उसे 90 से 95% बछिया पैदा होगी। उसके अलावा 20 गांव और राष्ट्रीय गोकुल मिशन फेज 2 में, पिछले साल भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन फेज 1 था, उसमें भी काफ़ी हद तक गाय और भैंस में निःशुल्क सीमन डाला गया था। इस बार भी हर जगह लोग 50,000, पूरे जनपद में 50,000 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का लक्षण खाए गाय और भैंस मिला। तो हम लोग जैसे यहाँ पे त्रिवेदीगंज में 20 गांव प्राप्त हुए हैं, जैसे कुछ गांव के नाम आपने बता दे रहा हूँ आपको, जैसे रौनी है, बुढ़नापुर है, तेजवापुर है, मारूपुर है, मोहम्मदपुर है, कटरी है, हुसैनाबाद, ख्वाजापुर, दहिला, नरेंद्रपुर, मदरहा, बुंदीपुर, भिलवल, मकनपुर, जौरात, चंद्रौली, सराय पांडे, नेरा कबूल, रामपुर, अठैयापुर और गोरव आसमान। ये टोटल 20 गांव का चयन हुआ है, जहाँ पे गाय और भैंस अगर भीत गया पशुपालक हमको बुलाएगा तो टैग लेकिन बिना लगे सीमन नहीं पड़ेगा, तो निःशुल्क सीमन भी पड़ रहा है। उससे काफ़ी अच्छा रहेगा कि जो बच्चियाँ पढ़िया तैयार होंगी, वो उन्नत नस्ल वाले जो बच्चे होंगे उसमें दूध की मात्रा भी बढ़ेगी,
तभी पशुपालकों को आमदनी बढ़ेगी। अभी देसी गाय भैंस क्या है, 1 किलो 2 किलो दूध देती है, जो सीमे से जो पड़िया तैयार होती है जब वो बच्चा देती है तो 12 से लेके 12 लीटर जो भैंस वगैरह में सामान्य हो जाता है और गाय में तो 30 लीटर 40 लीटर तक पहुँच जाता है। अगर उनको समय समय पर कीड़े की दवा मिनरल पाउडर दिया जाता है और टीकाकरण कराया जाता है तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जो किसान मेला का आयोजन किया गया इसका मूल उद्देश्य क्या है, इस विषय में जानकारी? आज किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसान मेला और गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम किसानों की आमदनी जल्दी से जल्दी दूनी करें और उसकी खुशहाली की तरफ उसको बढ़ाएँ, उसके अंतर्गत ये आज कार्यक्रम हुआ है। एक तहसील में जितनी ब्लाकें हैं उनमें क्रमशः हर बुधवार को एक कार्यक्रम होगा, तो ब्लाक में जितने ब्लाकें हैं एक बुधवार दो बुधवार तीसरे बुधवार को सब पर करेंगे ये। और ये कार्यक्रम पूरी तरह से कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसानों को उन्नतशील बीज की, पेस्टिसाइड की और उन्नतशील खेती के तरीके बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें कई विभाग के लोग बुलाए जाते हैं कि जो योजनाएं उनकी हैं और किसानों पर लागू होती हैं उनकी जानकारी भी दी जाती है, वो चाहे मत्स्य पालन का हो और चाहे और कीटनाशक की बातें हों, चाहे केला खेती हो चाहे मशरूम खेती हो, उसकी जानकारी दी जाती है। तो एक तरह से किसान को बैठा के उसको उन्नतशील बीज की, उन्नतशील खेती की, उन्नतशील यंत्रों की जानकारी देंगे और उसकी प्रगति के लिए हम कोई व्यवस्था आगे बताते जाएंगे। सर, जो अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में एक तरह से बिजली भाड़ा का प्रोग्राम तो होना नहीं चाहिए, तो इस विषय में जो आने वाले 26 जनवरी को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना तो एक तरह से 2021 हमारे लिए बहुत सुखदायक है। आज 12 रुपये 52 केस एक्टिव केस बचे, उसमें 3 सक्रिय हैं, बाकी अस्पताल में ठीक हो रहा मरीज। तो कोरोना कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है और वो 16 तारीख परसों हमारी वैक्सीन आ गई और 16 वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी तब कोरोना को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश को तरक्की पर ले जाना है, इसलिए ज्ञान को जोखिम में डाल करके आगे कुछ बढ़ना है। इसलिए कोरोना सामने नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी मनाया जाएगा और किसानों की तरक्की के लिए सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। आज का जो प्रोग्राम रखा गया इस विषय में कहते हैं? उत्तम कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद भारत। ये जो कार्यक्रम रखा गया है इससे हमारे ब्लॉक का हर एक किसान जागरूक होगा, लोगों को जानकारियां मिलती रहेंगी। जैसे कि अभी हमारे यहाँ ब्लॉक के ही किसान हैं नवनीत वर्मा जी, जिनको उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। जब गोष्ठियाँ होती रहती हैं तो इससे हमारा किसान जागरूक होता रहता है, सबसे परिचय हो जाती है, स्टॉल भी लगे हैं और परिचय जाते कौन अधिकारी किस रूप में कहाँ जाएगा, किस उपचार की दवा क्या है।